अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होप के सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रमज़ान के लिए स्पेशल चटनी, ठीक है जी। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उबालने चाहिए इसके लिए। इसको मैंने अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करके दो तीन दफ़ा पानी में, फिर इसका पानी निकाल दिया था और नए पानी में, ताज़ा पानी में डाल के इसको एक घंटा पहले भिगो दिया था, ठीक है जी। इसके अलावा हमें चाहिए शुगर, चीनी चाहिए हमें एक कप पूरा भर के। एक पाव मेरे पास खुबानी है, एक कप मेरे पास चीनी का है, ठीक है जी। नमक चाहिए, मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ, आप वाइट सॉल्ट भी कर सकते हैं। एक चम्मच, 1 टेबलस्पून पूरा हमें चाहिए नमक का। 1/2 टेबलस्पून हमें चाहिए क्रश लाल मिर्चों का, ठीक है जी। ये 4 चीज़ें हैं। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं कहती हूँ, चलो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी रमज़ान में जितनी भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं अपलोड करूँगी वो सारी आपको मिलती रहें, ठीक है जी। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो खुबानी हमने पानी में भिगो के रखी हुई है, इसको हम 4 ग्लास पानी डाल के बॉयल करने के लिए रख देंगे जी। तो हम पैन में अपनी जो खुबानी हमने भिगो के रखी थी वो पानी के साथ ही हम अपने पैन में डाल देंगे। एक पूरा ग्लास भर के हम इसमें पानी का ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब इसको हमने 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट तक हमारे हमने इसको अच्छी तरह से पकाया। अब मैं इसका स्टोव ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा कर लेंगे अब, ठीक है जी। ठंडा करने के बाद क्या करना है, ठंडा करने के बाद मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए जी, हमने जो इसको बॉईल किया था वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसी पानी के साथ इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। ये तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, इसका पेस्ट बना लिया उसी पानी में, ठीक है। हम इसको अपने पैन में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इसमें हम 2 ग्लास पानी के डालेंगे। 2 ग्लास इसमें मैंने पानी के शामिल कर दिए। ये हमने जो शुगर 1 कप भर के रखी थी वो भी ऐड कर दी इसमें। ये नमक और लाल मिर्च, ठीक है जी, ये भी शामिल कर दी। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो है चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने इस तरह से इसको, ये देखें, ठंडी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है जी। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हम लास्ट पे चूल्हा बंद करने से बिल्कुल 1 मिनट पहले हमें ऐसे करना है कि हमने कोई भी, आपने सिरका लेके इसमें 4 चम्मच आपने सिरके के ऐड कर देने हैं, ठीक है जी। 4 टेबलस्पून आपने इसमें सिरके के ऐड कर देने हैं। ये नहीं, सिरका डालने से आपका ये ख़राब नहीं होगी चटनी आपकी, आप काफ़ी देर तक इसको महफूज कर सकते हैं, ठीक है जी। शीशे ठंडा करने के बाद आप इसको शीशे के जार में डाल के आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। बस अब 1 मिनट के बाद हम इसकी स्टोव जो है अपना बंद कर देंगे, ठीक है जी। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी मज़ीद चटनी की रेसिपीज़ अच्छे अच्छे से मिलती रहें, ठीक है जी। अब ये तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी चटनी हो चुकी है तैयार। इसमें सिरका डाला हमने ताकि हमारी चटनी जो है वो ज़्यादा देर के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। रमज़ान के पूरा महीना हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। कि 1 पाव खुबानी ली थी मैंने, अच्छे वाली साफ़ सुथरी खुबानी ली थी मैंने, ठीक है जी, ताकि चटनी की शक्ल भी अच्छी बने। बाज़ लोगों की चटनी बिल्कुल ही डार्क ब्राउन हो जाती है, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अच्छे वाली खुबानी लीजिएगा ताकि आपकी चटनी भी अच्छी बने, उसका कलर अच्छा है। बहुत ही मज़े की बनी है ये चटनी। सिरका मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आप ज़्यादा देर तक इसको महफूज कर सकें, ठीक है जी। 1 पाव। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छी अच्छी सी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें, ठीक है जी। ये देखें जी, यम्मी सी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। पकौड़ों के साथ खाएँ, रमज़ान में घर का खाएँ और हेल्दी खाएँ, ठीक है जी। हेल्दी रहें, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।